आपके लिए पहला सवाल होगा, किस फल में जहर पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए सेब में, बी खुमानी में, सी आलू बुखारा में या डी इन सभी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी में। सेब, खुमानी, आलू बुखारा, चेरी जैसे फलों के बीज भी जहरीले होते हैं, इनमें एमिगडालिन पाया जाता है। हालांकि सेब में इस जहर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। 1 ग्राम सेब में लगभग 0.06 से 0.24 मिलीग्राम साइनाइड होता है। आपके लिए अगला सवाल होगा, गृह मंत्री अमित शाह किस समुदाय से हैं? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए पारसी, बी जैन, सी बौद्ध, डी कोई अन्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन समुदाय से हैं भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। आपके लिए अगला सवाल होगा, भारत में नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए असम में, बी कर्नाटक में, सी केरल में या डी पश्चिम बंगाल में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आपके लिए अगला सवाल होगा, प्रार्थना आयोजना तथा विरोध की राजनीति का आरोप कांग्रेस पर किसने लगाया था? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए सरदार भगत सिंह ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने या डी सुभाष चंद्र बोस ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप कांग्रेस पर लगाया था। आपके लिए अगला सवाल होगा, चॉकलेट खाने से किस जानवर की मौत हो जाती है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए बकरी की, बी कुत्ते की, सी बंदर की या डी गाय भैंस की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्ते की मौत हो जाती है चॉकलेट खाने से। आपके लिए अगला सवाल होगा, ताजमहल बनाने में कितने मजदूर लगाए गए थे? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000 या डी 25,000। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 20,000 मजदूर लगाए गए थे ताजमहल बनाने में। आपके लिए अगला सवाल होगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए हर्षवर्धन, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी कनिष्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक के काल में हुआ था। आपके लिए अगला सवाल होगा, 1 कप दूध में देशी घी मिलाकर पीने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए पीलिया की, बी बवासीर की, सी टीबी की या डी बुखार की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बवासीर की। पाइल्स अर्थात बवासीर के रोगी 1 कप शुद्ध दूध में 1 चम्मच शुद्ध देशी घी रोज रात को सोने से पहले पी लें, तो कुछ ही दिनों में बवासीर रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। आपके लिए अगला सवाल होगा, फॉयल पेपर में रखा खाना खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपके लिए ऑप्शंस होंगे, ए हड्डियों का विकास रुक जाना, बी पुरुषों में नपुंसकता, सी किडनी खराब होना या डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एल्यूमिनियम कॉयल पेपर में रखा खाना खाने से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ सकती है।
खाने में रोजाना एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से न सिर्फ हड्डियों का विकास रुक जाता है बल्कि इससे किडनी की बीमारी होने की आशंका भी बहुत बढ़ जाती है। आपके लिए अगला सवाल होगा, किस देश ने ट्विटर पर बैन लगाकर भारतीय इप्को को अपना लिया है? आपके लिए ऑप्शंस होंगी, ए फिनलैंड, बी नाइजीरिया, सी नीदरलैंड, डी आइसलैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजीरिया ने ट्विटर पर बैन लगाकर भारतीय इप्को को अपना लिया है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पर ट्विटर द्वारा राष्ट्रपति का ट्वीट डिलीट करने के कारण ट्विटर को देश में बैन कर दिया गया और इसकी जगह भारतीय को ऐप को अपनाया गया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।